Assalamu alaikum, this is Faiza, Waseem, and today we will discuss that why we need data warehouse. Last wali video mein hum logon ne different definitions dekhi thi data warehouse ki, data warehouse ko kya hota hai aur different definitions ke aspects se hum logon ne usko discuss kiya tha. Now in this video we will discuss ki aisi kaun si needs hai ya aisi kaun si wajah hai jiski wajah se hame data warehouse ki zarurat padti hai ya hum data warehouse create karte hain. तो सबसे पहले जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो रीज़न है हमारे पास डेटा वेयर हाउस हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन हिडन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. एज वी ऑल नो डेटा वेयर हाउस की बात हम तब करते हैं जब हमारे पास बहुत ज़्यादा बड़ा बहुत ह्यूज डेटा बेस होता है. ये वाली बात हम लोगों ने लास्ट वाली वीडियो में भी डिस्कस की थी. तो जब हमारे पास काफ़ी लार्ज डेटा बेस होता है तो उसके अंदर से हमें क्यूरीज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है. तो ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं रहता कि हम लोग तमाम इंफॉर्मेशन को जो है वो सर्च कर सकें या हर इंफॉर्मेशन की क्यूरी ईजिली कर सकें. दैट्स वाई वी नीड डेटा वेयर हाउस. डेटा वेयर हाउस के थ्रू हम लोग कॉम्प्लेक्स बिजनेस क्यूरीज ईजिली कर सकते हैं और डेटा वेयर हाउस के थ्रू हम वो सभी इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं जिसकी क्यूरी लिखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है. इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास रीज़न है वो ये है कि डेटा वेयर हाउस हम इसलिए यूज़ करते हैं बिकॉज ऑफ द मोर्स लॉ. मोर्स लॉ हम लोग जानते हैं कि मोर्स लॉ क्या कहता है कि हमारे प्रोसेसर की स्पीड जो है वो एवरी ईयर डबल होती रहती है और उसकी कॉस्ट जो है वो कम होती रहती है. अब इसका रीज़न क्या है कि हमारे पास प्रोसेसिंग स्पीड भी डबल हो रही है और उसकी कॉस्ट भी इंक्रीज़ नहीं हो रही बल्कि इंक्रीज़ होने के बजाय डिक्रीज़ हो रही है. तो इसकी वजह ये है कि प्रोसेसिंग स्पीड इंक्रीज़ हो रही है नो मैटर्स. हम ये भी तो देखें ना कि हमारा डेटा भी तो कितना इंक्रीज़ हो रहा है. जितनी प्रोसेसिंग स्पीड इंक्रीज़ नहीं हो रही जितना डेटा इंक्रीज़ हो रहा है. हम लोग अगर फेसबुक के एग्जाम्पल लें तो वी ऑल नो कि फेसबुक के यूज़र्स डे बाय डे इंक्रीज़ होते जा रहे हैं. कोई ऐसा पर्सन मतलब ऐसा नहीं है कि रोज़ बहुत सारे अकाउंट्स डीएक्टिवेट होते हैं. डीएक्टिवेट होते हैं लेकिन इतने नहीं होते जितने डे बाय डे अकाउंट्स क्रिएट होते हैं. इसी तरीके से अगर हम लोग किसी और ऑर्गेनाइजेशन के एग्जांपल लें तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो एम्प्लॉयज़ या जो उधर के कस्टमर्स होते हैं वो डे बाय डे भरते रहते हैं. मीन्स उनका डेटा जो है वो डे बाय डे उनके ट्रांजेक्शन्स उनके उनका जो डेटा बेस है वो डे बाय डे भरता है. दैट्स वाई वी नीड डेटा वेयर हाउस. जो हमारे पास थर्ड रीज़न है वो है फॉर टेकिंग द बेटर डिसीजन. लास्ट वाली वीडियो में हम लोगों ने एक एग्जाम्पल डिस्कस की थी विच इज़ अबाउट के फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास कोई एम्प्लॉय है जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है अब वो किसी रीज़न के बिना पर जो है वो मेरी कंपनी छोड़कर जा रहा है. अब मैं अपने प्रीवियस हिस्ट्री के बेस पे प्रीवियस डेटा के बेस पे ये जानना चाहूँगी कि ऐसी कौन सा रीज़न था जिसके बेस पे वो जो है वो उसने मेरी कंपनी लीव की. इसके साथ साथ मैं अगर मुझे वो रीज़न मिल गया तो मेरी कंपनी के लिए जो है वो फ़ायदा हो जाएगा. वो कैसे कि मैं उस जो वो रीज़न है उससे मैं ये पता कर सकती हूँ कि आइंदा आने वाले टाइम में ऐसे कौन से एम्प्लॉयज़ हैं जो उसी रीज़न के बेस पे मुझे दोबारा छोड़कर जा सकते हैं. तो मैं फ्यूचर के लिए बेटर डिसीजंस ले सकती हूँ अभी करंट जो मेरे पास रिजल्ट आया है उसके बेस पे. राइट, तो इसके लिए डेटा वेयर हाउस बहुत हेल्पफुल होता है ताकि हम लोग अपनी कंपनी के लिए बेटर से बेटर डिसीजंस ले सकें और उसको बेटर से बेटर इम्प्रूव कर सकें. नाउ जो नेक्स्ट हमारे पास रीज़न है वो है डेटा वेयर हाउस डोंट वर्क ऑन द डेटा बेस इन्वायरमेंट. अगर हम लोग डेटाबेस की बात करें तो डेटाबेस भी हमारे पास कलेक्शन ऑफ डेटा ही होता है. उसमें भी हम लोग डेटा ही स्टोर करते हैं तो फिर डेटा वेयर हाउस की नीड क्यों पड़ती है. उसका रीज़न यह है कि डेटा वेयर हाउस के हिसाब से जो डेटाबेस के हिसाब से जो सिस्टम हम बनाते हैं वो डेटा वेयर हाउस के इन्वायरमेंट में काम नहीं कर सकता. डेटा वेयर हाउस जिस डोमेन में आता है ना उस डोमेन वो है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम. और जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं तो उसके लिए लाजमी सी बात है कि हमारे पास डेटा बहुत ज़्यादा होना चाहिए. तो इस वजह से डेटा जो है वो डाइवर्स हो सकता है. दैट्स वाई जो रूल्स या जो इन्वायरमेंट डेटा बेस के लिए होता है ना वो डेटा वेयर हाउस पर काम नहीं कर सकता. दैट्स वाई डेटा बेस के होते हुए भी वी नीड डेटा वेयर हाउस. जो लास्ट हमारे पास रीज़न है कि हम लोग क्यों डेटा वेयर हाउस की हमें नीड पड़ती है वो है फॉर द फॉर बिजनेस बिकॉज बिजनेस वॉन्ट मोर मच मोर. बिजनेस वॉन्ट
इंटेलिजेंस, बिजनेस डिमांड इंटेलिजेंस. फॉर एग्जाम्पल मीन्स ये कि बिजनेस के पास जो भी डेटा होता है ना, जितना भी उनके पास डेटा सेट्स हैं, जो भी उनके पास डेटाबेस पे रिकॉर्ड्स हैं, दे वांट कि हम उनको इंटीग्रेट कर लें ताकि वो बिजनेस क्यूरीज, कॉम्प्लेक्स क्यूरीज चला सकें और उन क्यूरीज के बेस पर वो लोग बेटर से बेटर डिसीजंस ले सकें. आजकल की ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो डेटा वेयर हाउस की तरफ इसीलिए जा रही हैं ताकि उनका फ्यूचर, वो लोग फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकें. फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने से क्या होगा कि उनके जो डिसीजंस होंगे वो बेटर होंगे, उनकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएगी. इसके हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल थोड़ी फनी सी एग्जाम्पल है बट नो मैटर्स, ले लेता हैं कि ना फॉर एग्जाम्पल अब ईद आ रही है, ठीक. अब ईद पे क्या होता है कि हम लोग ईद पे सवैयाँ बनाते हैं. अब हमें पता है कि अगर हम लोग ऐसी शॉप पे जा रहे हैं जहाँ पे सवैयाँ मिल रही हैं, तो जो बंदा सवैयाँ खरीदेगा लाजमी सी बात है कि वो उसके साथ चीनी भी खरीदेगा, उसके साथ मिल्क भी खरीदेगा, ठीक. अब हमें पता नहीं है फॉर एग्जाम्पल ये बात. अब हमारी शॉप पे जो है वो डिफरेंट चीज़ें हैं, मीन्स कपड़े हैं और शूज़ हैं, सवैयाँ भी हैं उसी शॉप पे, सही है. तो अब हमें नहीं पता, अब जो आने वाला बंदा है ना, अगर वो कोई कपड़े खरीदा है तो जरूरी तो नहीं है कि वो सवैयाँ भी खरीदेगा. लेकिन हम अगर हमारे पास डेटा वेयर हाउस होगा ना, तो उसके जरिए हम लोग ये पता कर सकते हैं, मीन्स कि अगर लास्ट मंथ क्या, जब लास्ट टाइम जब ईद आई थी, तो जिन जिन पर्सन्स ने सवैयाँ खरीदी थी उन्होंने लास्ट में मिल्क भी खरीदा था, चीनी भी खरीदी थी और फला फला चीज़ें भी खरीदी थी. तो मीन्स हम प्रीवियस हिस्ट्री के बेस पे हम लोगों ने क्या डिसीजन लिया कि अब आइंदा आने वाले वक्त में हम लोग अपने इन चीज़ों के साथ साथ ये चीज़ें भी रखें, तो हमारी हमारी हमारे प्रॉफिट में इजाफा हो सकता है. इसी तरह से अगर हम लोग, ये तो हम लोगों ने सिंपल ऐसे एग्जांपल ले लिए, इसी को अगर हम लोग थोड़ा टेक्निकल वे में सोचें तो क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने देखा कि अच्छा इस पर्सन ने, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास प्रोडक्ट ए है, अब मैं क्या करूँगी. वैसे अगर हम लोग ट्रांजेक्शन सिस्टम की बात करें ना, तो उसमें हमारे पास क्यूरीज पहले से प्रीडिफाइंड होती हैं, मीन्स हमें पता होता है कि इस तरह की क्यूरीज चल सकती हैं. जबकि डेटा वेयर हाउस में ऐसा कोई भी नहीं होता, मीन्स उसमें हमें पहले से नहीं पता होता कि किस किस तरह की क्यूरीज चल सकती हैं. एट अ टाइम हमें नहीं खबर होती कि किस तरह की, कब, किस वक्त क्यूरी चल सकती है. तो इसके लिए हमारे पास जो है वो डेटा वेयर हाउस की काफ़ी नीड होती है, और ये हमारे पास एडहॉक एक्सेस कराता है, मीन्स जो हमारे पास पहले से प्रीडिफाइंड ना हो कि हमारे पास किस तरह की क्यूरीज आ सकती हैं. दैट्स वाई डेटा वेयर हाउस सपोर्ट्स एडहॉक एक्सेस. और जब तक हमारे किसी, ये बात मैंने पहले ही बताई थी, जब तक हमारे पास किसी सिस्टम में एडहॉक एक्सेस नहीं होगा तो वो डेटा वेयर हाउस नहीं कहला सकता. मीन्स ये हम लोगों ने जितने भी ये रीजंस डिस्कस किए, इनकी बेस पे हम लोग ये जान सकते हैं कि डेटा वेयर हाउस की ज़रूरत हमें क्यों है. मीन्स हमें अपने बिजनेस को इम्प्रूव करना है, बिजनेस को अपने इंटेलिजेंट बनाना है, बेटर से बेटर डिसीजंस लेना है, अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के जो हिडन इन्फॉर्मेशन है, मीन्स जिनकी क्यूरीज हम लोग ईजिली नहीं कर सकते, उनकी क्यूरीज को रन करके हमें वो चीज़ें जो फाइंड करनी है जो कि हिडन है हमारे हमारे सिस्टम की, ठीक. तो ये सब रीजंस है जिनकी वजह से हम लोग को डेटा वेयर हाउस की ज़रूरत पड़ती है. और नेक्स्ट क्लास में हम लोग, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि डेटा वेयर हाउस के कुछ और कॉन्सेप्ट्स लेंगे, लाइक OLTP, OLAP, इन सब चीज़ों को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे. और अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.